2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे के अवसर पर वन विभाग मुरादाबाद व WWF द्वारा संयुक्त रूप से संगोष्ठी का आयोजन डियर पार्क रामपुर रोड मुरादाबाद में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कांट विधानसभा विधायक राजेश कुमार चुन्नू व विशिष्ट अतिथि महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्रनाथ मिश्रा रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय सिंह वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद ने की। कार्यक्रम का संचालन पर्यावरण नेपाल सिंह पाल ने किया। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों से आए हुए छात्र एवं छात्राओं ने चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसकी थीम वेटलैंड एवं वाटर थी। चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूल व कॉलेज शान इंटर कॉलेज, हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज, मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज व अन्य कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और अपनी पेंटिंग के द्वारा अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं को अपने पोस्टर के अनुसार उन्होंने तालाब और जलाशयों के बारे में उकेरा और उन्होंने जल संरक्षण पर अपना विशेष महत्व प्रकाशित किया। इस अवसर पर WWF के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद आलम ने जलाशयों एवं नदियों के संरक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर मोहम्मद आलम ने कहा कि जलाशय का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जलाशय भूमिगत जल को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने मुरादाबाद जिले में स्थित जलाशयों की स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त DFO कन्हैया पटेल ने कहा कि जलाशय हमारे सुपरमार्केट और किडनी की तरह से हैं, जो जैव विविधता को बनाने और प्रदूषकों को फिल्टर करने का काम करते हैं। कपिल कुमार, पर्यावरण प्रेमी रविता पाल, RK भारत, दीपांशु सैनी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को कांट विधायक राजेश कुमार चुन्नू, महानगर भाजपा अध्यक्ष धर्मेंद्रनाथ मिश्रा, वन संरक्षक क्षेत्रीय निदेशक मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद विजय सिंह, DFO कन्हैया लाल पटेल, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी WWF डॉक्टर मोहम्मद आलम ने संयुक्त रूप से स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र वितरित किए। सर, आज जो कार्यक्रम था किस चीज को लेकर? आज 2 फरवरी है, तो आज विश्व दिवस के अवसर पे हमने ये कार्यक्रम किया है और इसमें हमने बच्चों सात स्कूल से हमारे बच्चे आए थे, इसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में और वेटलैंड के बारे में जानकारी दी गई और इसमें जो हमारे महामहिम विधायक कांट भी मौजूद थे, जो उन्होंने बच्चों का संरक्षण के बारे में बताया और सब जो चित्रकला प्रतियोगिता थी, सब विभिन्न कार्यक्रमों को यहाँ आयोजित किया। सर, सबसे बड़ा मुख्य जो बताना था आज के कार्य का, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो इस साल जो विश्व जो वेटलैंड दिवस है, तो उसका जो थीम था वाटर वेटलैंड्स एंड वाटर। तो जब जो सरकार की जो योजना है कि 2024 तक हम नल से जल की जो योजना है, तो अगर हमारे पास जल नहीं रहेगा तो फिर हम जल नल से कैसे पहुँचाएँगे, उसी संबंध में हम लोगों को हमने एक थॉट दिया कि जब तक हम वेटलैंड का संरक्षण नहीं करेंगे तब तक हमारे पास जल नहीं होगा और जब जल नहीं होगा तो जल से तल की जो हमारी जो भविष्य की योजना है वो भी सफल नहीं हो पाएगी।